हमारे पास पी क्यू जो है कॉमन टेंजेंट है इस सर्कल और इस सर्कल की, पी एस जो है वो कोण है इस वाले सर्कल की, क्यू एस जो है वो इस वाले सर्कल की कोण है। आपको प्रूव क्या करना है, ये दोनों सर्कल आर और एस पे इंटरसेक्ट होते हैं। आपको प्रूव क्या करना है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल जो होगा वो 180 होगा, ठीक है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये भी डायरेक्टली अपने पास अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का अप्लीकेशन है। कैसे, देखिए अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो आप क्या कीजिए, इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, इसको ऐसा ज्वाइन किया जा सकता है। अब देखिए ना, अगर मेरे पास ये एंगल एक्स है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा, बाय यूजिंग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर मेरे पास ये एंगल जो है वो वाई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, वाई होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के लिए टेंजेंट होना बहुत जरूरी है। पी क्यू जो है वो इस वाले सर्कल की भी टेंजेंट है एट पी, क्यू जो है वो टेंजेंशियल पॉइंट है इस सर्कल का। अब आप यहाँ पे देखिए, एंगल एस जो है वो आपके पास क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, और इन ट्राइंगल पी आर क्यू हम क्या देखते हैं, एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 है। अब P और Q जो है वो X और Y है, तो एंगल R प्लस X प्लस Y इक्वल टू 180 है। यहाँ से आप देखते हैं एंगल R जो है वो आपका 180 माइनस X प्लस Y हो जाएगा, और एंगल S जो है वो आपके पास कितना है, X प्लस Y है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो एंगल R प्लस एंगल S जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका 180 यहाँ पे आ जाता है, which completes the proof of your question.